वेलकम स्टूडेंट्स, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, बैलेंस शीट गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। तो देखो, इसमें हम चार अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, ए का लोन दिया हुआ है, एज लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, और एक बी का लोन एस साइड में दिया हुआ है, तो बीज लोन अकाउंट भी बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट के पॉइंट है वो सारे ट्रांसफ़र कर देंगे हम इसमें। तो कैश एट बैंक दिया हुआ है, बैंक के कॉलम में दिखा देंगे 2 balance BD 60,000 रुपये बैंक के कॉलम में। अब देखो, जो भी सन्ड्री एसेट्स दी हुई हैं, सन्ड्री एसेट्स में आपकी सन्ड्री ये डेटर्स दे रखे हैं 1,80,000, प्रोविजन को बाई में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और मशीनरी को दिखाएंगे। बी का लोन दिया हुआ है, लास्ट में बीज लोन अकाउंट बनाएंगे 2 balance BD 20,000 रुपये। लाइबिलिटी साइड में देखेंगे, लाइबिलिटी साइड में देखिए, बाई क्रेडिटर्स, बाई सेंडरी क्रेडिटर्स लिख दिया। इसके बाद आपका जो एज लोन दिया हुआ है 12%, ए का लोन अकाउंट बनाएंगे बाई बैलेंस बीडी। जर्नल रिजर्व और जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है उनको कैपिटल में शो करना है, ठीक है। इसके बाद प्लांट और मशीनरी को ए ले लेता है 60% वैल्यू पर, बाई एज कैपिटल प्लांट और मशीनरी 60% वैल्यू लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट को बी ले लेता है 120% वैल्यू पर, तो यहाँ बाई बीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 120% वैल्यू ले लेंगे हम। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया, जो हमारा स्टॉक है ना 2,00,000, उसका 75%, 1,50,000 का तो हम स्टॉक दे दिया। हमारे क्रेडिटर्स हैं 2,10,000, अब 70,000 के बच गए, उनको हमने कि मतलब कितने में पे किया है, 70,000 रुपये में पे कर दिया, 60,000 रुपये में, 2,10,000 है ना, 60,000 रुपये बचेंगे वो पे कर दिया हमने। इसके बाद देखिए, डेटर्स 20% लेस रिलाइज हुए हैं बाई बैंक में दिखा देंगे 1,44,000। ए का लोन देखिए, ए के लोन पे 50,000 का 12% 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, 53,000 इसकी पेमेंट कर देंगे। और जो 3,000 ये इंटरेस्ट लगाया है ना, इसको रियलाइजेशन के डेबिट में दिखा देंगे 2 interest on age loan 3,000, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस निकालेंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में 2 loss, बी का लोन जो हमने ये लास्ट में बीज लोन अकाउंट बनाया है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये आ जाएगा। रियलाइजेशन में जो एसेट ए और बी ने ली है, बाकी हम 2 bank फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे 80,000 और 10,000 रुपये। लास्ट में बैंक अकाउंट बनाएंगे, 2 balance BD गिवन था, 2 realization एसेट साइड में जो 1,44,000 था, बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटी साइड का जो था, बाई एज लोन, बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, और दोनों का टोटल क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम 4 अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, एज लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो देखिए, सबसे पहले 2 sundry assets में फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, बाई प्रोविजन, फर्नीचर, गुडविल दिखा देंगे। जो कैश एट बैंक दिया हुआ है उसको हम 2 balance BD दिखा देंगे। एसेट साइड के पॉइंट देखिए, बाई क्रेडिटर्स, बाई BP, एज लोन को एज लोन अकाउंट में दिखाएंगे, मिसीज एज लोन, ये थर्ड पार्टी लोन है, इसको बाई में दिखाएंगे बाई एज लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है इसके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, और इनका जो बैलेंस दिया हुआ है पार्टनर्स का वो दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद ए एग्री टू टेक फर्नीचर, ए फर्नीचर लेता है 20% कम वैल्यू पर, तो ए के नाम लिख देंगे फर्नीचर 20% लेस करके। फिक्स एसेट बाई बैंक में, स्टॉक बाई बैंक में, डेटर्स 5,000 लेस करके बाई बैंक में, टोटल दिखा देंगे। एक्सपेंसेस 2 bank में, क्रेडिटर्स में 5% लेस करके 2 bank में दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्लेम 6400 पे करना है, 2 bank में दिखा देंगे। अब देखो, बीपी और मिसिज एज लोन ये लाइबिलिटी हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कह रहा,
तो हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो इनको सेल्स, इनको पेमेंट करेंगे, इनको फाइनल पेमेंट करेंगे, तो फाइनल पेमेंट करेंगे तो पूरी पेमेंट कर देंगे, लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं। एसेट साइड में अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो उसकी वैल्यू जीरो मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे, तीनों में बांट देंगे, ए के लोन की पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में देखिए हमने टू रियलाइजेशन एसेट्स जो रियलाइज की थी, लॉस हमने टू बैंक फाइनल पेमेंट निकाल लिया, लास्ट में बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी साइड का जो पॉइंट था, ये लाइबिलिटी पेमेंट की थी रियलाइजेशन में, टू रियलाइजेशन एसेट्स जो रियलाइज की थी बाय एज लोन बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल, और इनका हम क्या कर देंगे लास्ट में टोटल कर देंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं।